अब यूनाइटेड नेशंस में तो कश्मीर का मुद्दा जो है वो बाइंड अप किया जा रहा है, तो अब हम हर फोरम पर जाकर आवाज क्या उठाएंगे? बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में भी जब भी जाते थे हम पहले बोलते थे कश्मीर जाए। खुद पीओजेके के लोग अपने तरीके से पाकिस्तान से आजादी हासिल करने की कोशिश करेंगे और भारत माता में मिलने की कोशिश करेंगे। में सारा जो सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लेंगे फॉल्ट है ना, वो हमारे लीडर्स का ही है। यकीनन ये अमेरिका ने हिंदुस्तान के कहने पर ही डाला होगा, और अमेरिका को मेरे ख्याल में इस बात का एहसास करना चाहिए था कि ये दुरुस्त नहीं हुआ। और मैं हीरो समझती हूँ तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझती हूँ, मैं हीरो समझती हूँ तो अपने डॉक्टर एस जयशंकर को समझती हूँ। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कि कश्मीर उनका हिस्सा है, और फिर यूएन में ये प्रोपेगेंडा चलाता था कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए, और दोस्तों इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी होती थी, और पाकिस्तान हमेशा भारत पर अलग अलग इल्ज़ाम लगाता रहता था। लेकिन दोस्तों अब यूएन से जो है वो कश्मीर का मुद्दा वाइंड अप होने वाला है, यानी कि बंद होने वाला है, जिससे कि पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा झटका लगने वाला है। और इसी के साथ ये साफ हो गया है कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है, और बहुत जल्द पीओके भी भारत में शामिल हो जाएगा, और गिलगित बाल्टिस्तान भी, जिससे कि भारत पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा घात पहुंचा है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी इसी टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब बिना किसी देर के वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यूनाइटेड नेशंस में तो कश्मीर का मुद्दा जो है वो बाइंड अप किया जा रहा है, तो अब हम हर फोरम पर जाकर आवाज क्या उठाएंगे? बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में भी जब भी जाते थे हम पहले बोलते थे कश्मीर चाहिए, कश्मीर लेना है, वहाँ वायलेशन हो रही है, और किसी हद तक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स में भी इस चीज को मेंशन किया जाता था। तो अब क्या हम सवाल नया खड़ा करेंगे? देखिए यूनाइटेड नेशंस में आपके जितने भी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, चाहे जनरल असेंबली है, जो भी है, ये तमाम रेजोल्यूशंस ऑब्सोलीट हो चुके हैं इन द फेस ऑफ ग्राउंड टूडेज ग्राउंड रियलिटीज। ये बिल्कुल खत्म हो गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और खुद पीओजेके के लोग अपने तरीके से पाकिस्तान से आजादी हासिल करने की कोशिश करेंगे और भारत माता में मिलने की कोशिश करेंगे। मैं हीरो समझती हूँ तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझती हूँ, मैं हीरो समझती हूँ तो अपने डॉक्टर एस जयशंकर को समझती हूँ, मैं हीरो समझती हूँ तो मैं अपने होम मिनिस्टर को समझती हूँ, मैं समझती हूँ हीरो तो मैं मेरे मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़े हीरो अगर कोई इंडिया के हैं तो वह है प्रधानमंत्री, जिन्होंने क्लियरली पूरे देश का, ना सिर्फ कश्मीर का, पूरे देश का इतिहास बदला। आप देख सकते हो इंटरनेशनल फोरम्स पे उनकी कैसी रिस्पेक्ट है, और आजकल कश्मीर में कोई खून रेजी नहीं है। दैट वॉज ऑल अ कश्मीरी वॉन्ट। है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ है या अमेरिका की तरफ है, तो ये चीज हमने भारत में नहीं देखी। उनको कोई ये डिक्टेशन नहीं देता कि जी आपने किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है, और पाकिस्तान उसी मुश्किल में आज भी पड़ा हुआ है। तो आपके ख्याल से ये क्योंकि जाहिर है IMF चाहिए तो अमेरिकन कैंप में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर चाइना नाराज हो जाएगा, तो ये करें तो क्या करें? ये लोग अजीब मुश्किल में इन्होंने सब लोगों को डाला हुआ है। जो रास्ता इन्होंने बंद किया है वो भी खोल के देख लेना। अमेरिका के भी इन्होंने वो क्या कहते हैं चमचागिरी और क्या कहते हैं सारी खिदमात की हैं। अफगानिस्तान में एक हुकूमत आई थी जो वहाँ पे औरतों को लिबरेट कर रही थी, ये थी वहाँ पे, ये मौलवियों के जरिए इन्होंने जाके उसको तबाह किया। उसी तबाही में से तालिबान निकले जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, तो हमें उसकी सजा भी तो मिल गई है ना। और फिर हमने ये लश्करे तैयबा और ये जैश मोहम्मद जैसे लोग पाले जिन्होंने हिंदुस्तान में आके टेररिज्म की। कभी भी मैंने अपने होश आवाज में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। और इमरान खान का भी कोई ऐसा बयान था कि पता नहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे IMF के पास जाना पड़े। अब ये सारे कलाबाजियां खाते हैं IMF के आगे और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है। इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप दिखावा नहीं है। बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो IT का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानियों का अब जो है पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बंद हो चुका है, और अब यूएन में जो है वो कश्मीर का मुद्दा भी बंद होने वाला है। और इसी के साथ वो जो पीओके के जो गिलगित बाल्टिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि अब जो है वो पीओके के लोग भारत माता में मिलने वाले हैं और इसी के साथ वे भारत के साथ रहेंगे। और दूसरी तरफ जो कश्मीर की लड़की भी कह रही थी कि ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है ये बंद हो चुका है, और पाकिस्तान जो है अब कश्मीर के लोगों को बहला नहीं सकता, क्योंकि कश्मीर के लोगों के दिमाग में ये भरा जाता था कि आप मुस्लिम हो इसलिए आपको पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। लेकिन आप भी जान चुके हैं कि मुस्लिम होने से कुछ नहीं होता, अपने देश के साथ रहना और तरक्की करनी है, और इस वक्त जो है भारत के साथ रहना चाहते हैं। और इसी के साथ पीओके को भी अब बहुत जल्द भारत में शामिल कर लिया जाएगा, और जो इस सरकार से पता भी चलता है कि वे बार बार कहते हैं कि हम पीओके को लेकर रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।